बंद करो, बंद करो। शेदा अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेप्सिको प्लांट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेप्सिको प्लांट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हाडा धरना जेड़ा 26वें दिन पहुंच चुका है। जो साड़ी इन्होंने लोगों ने कोई गल नहीं सुनी, अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, लीडर ने, तो हार के असं जोड़ा अज भुख हड़ताल से बैठे। साढ़े पांच जोड़े पिंड निवासी ये भुख हड़ताल जी है पांच दिन तो चलेगी, वो बाद जोड़ा है गिनती बधाई जाएगी भुख हड़ताल किन्ने लोगों ने बहना। तो बहुत जल्द जोड़ा असी जाखड़ साहब का पुतला फूकन जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतों वोटा लिया ने, 2 लाख वोटा का जित के गए साढ़े हल्के चो, तो साढ़िया वोटा लैके साथ उन्होंने गद्दारी की है। साढ़े रस्त्या कोई फिक्र नहीं, पैप्सी का भगत बनया है, आराम ना जाके चंडीगढ़ बैठा आनंद मान रहा है वो कुर्सी का। तो जिन्हों लोगों ने वोटा पाइया उसे सड़कों के धक्के खा रहे हैं, रोल रहे हैं, इन्हों की फिक्र नहीं कर रहे। अगे भी जी इलैक्शन आने वाली हैं, इन्हों की असं बहुत बुरी तरह मिट्टी प्रीत करेंगे पिंड जे 2 लाख ना अं जिता जाने तो 2 लाख ना हरा के भी छड़ांगे। अज साडा 26वां दिन है, अज असीं भुख हड़ताल ते बैठे हाँ, साडी किसी ने भी सुनाई नहीं की, और यह रस्ता मैं लैना चाहनी हाँ, रस्ता लेके ही छड़ना है, भाव मैं इतने जान देवांगी, देनी है, जो मेरी किसी ने भी सुनाई नहीं की, मैं सरकार दे सिर चढ़ के अपनी जान देवांगी। और भुख हड़ताल ते बैठी हाँ, बहुत ही दुख है कि एक मेरा शहीद का रस्ता नहीं खुला सकते, और मेरे शहीद का रस्ता जरा बंद कर देना, यह मैं रस्ता लैके ही छड़ना है, भावें मैं मरांगी अपनी कुरबानी इतने ही गेट के आगे ही देंगी, कहीं मैनू जरा रस्ता मेरे शहीद का दिता जाए। बार बार मैं यही ही कह रही हूँ, मेरे शहीद का रस्ता जरा यह दिता जाए। ये जड़े अपने अगे पुतले की कीती है अपना इस इंतजाम कर रहे हैं, अगर इन्हों पुतले का बहुत ही दुख लगता है कि मेरे शहीद के बारे कोई भी दुख नहीं लगता, अपने पुतले की इन्नी की ही तकलीफ है कि साढ़े पिछे शहीद परिवार पिछे पुलिस लाई गई है, कि अपने ये मेरे शहीद के पिछे नहीं दिख सकते कि यह भी कि माँ का बेटा एक शहीद होया है। जे अगर ये चाहते हैं गौरमेंट कि माँ का ही होया है तो मैनू रस्ता रहन देन, लेकिन जे चाहते हैं कि यह पूरे सरकार लिए होया तो रस्ता मैनू दिता जाए। मैं बहुत ही दुखी हाँ, इसलिए मेरे को गल बर्दाश्त नहीं होंगी, मैं अपनी आत्महत्या करूँगी, और मैं डरना नहीं है, मैं भुख हड़ताल से बैठी हाँ, और यह सभी दिन हो के बैठे मेरी किसी ने भी सुनाई नहीं की। अमित मंटू हल्का सुजानपुर तो 2017 के कांग्रेस कैंडिडेट, अज पिंड जो ये मसला 22-23 दिन तो जो चलिया आ रहा, 26 दिन तो कि जो ये रस्ते का मसला है, कि पैप्सी का प्लांट, पहली गल तो पैप्सी का प्लांट आया साढ़े हल्के, मैं पूरे पिंड वासियों की तरफों प्लांट का स्वागत करते हैं कि साढ़े हल्के कोई बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। दूसरी गल है भी पिंड वासियों की तरफों जो इतों एक पिंड पुराना रस्ता निकलता से, वो रस्ता ये प्लांट आने के कारण पिंड वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पेगा, कि जो पिंड वासियों का मेन रस्ता है वो बंद हो जाएगा, और पिंड वासियों ने जो अपना धरना लगाया, चलो वो बिल्कुल जायज़ है कि वो रस्ता बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले दिन तो ही पिंड के नाल सी कि जिदा भी अगर पिंड के नाल कोई धक्का करेगा तो असीं इहदा साथ देंगे। अज पूरे पिंड वासी अपने संघर्ष से लगे है, और मैं इन्दे नाल पहले दिन तो इन्दे नाल हाँ। सर जिस दिन MLA साहब का अमित जी का पुतला फूकया गया, उस दिन तुम इतने नज़र नहीं आए धरने सर, धरना प्रदर्शन च? देखो एक तो मैं तुम्हें एक गल दसा भी लोकल लीडरशिप का हो सकता किसी का कसूर है, जरूर नहीं मैं कह सकता भी अमित बेज का कसूर है, किसी होर का भी हो सकता, और पिंड वासी जो अपना उनका रोष से वो उन्होंने जाहिर किया, जो उन्होंने किया भी चलो इन्हें बैठ के कोई इतना गल नहीं सुलझा का कोई काम कर प्रयास करा। सर पंचायत कह रही थी कि मतलब सारी ही लीडरशिप कसूरवाद है, मतलब उनकी कोई भी पार्टी तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वालों सुनवाई नहीं हो रही, जिस सारे ही कसूरवार है, एक पार्टी को दोष नहीं दे रहे। नहीं देखो कसूरवार देखो हूँ पिछले 10 साल जो अकाली BJP सरकार रही है, इंडस्ट्री एरिया जो ग्रोथ सेंटर है काफ़ी पहले का, जो इतने शहीदी मनजीत सिंह का जो गेट बनया ये पिछली सरकार के बनया, ये अनगहली तो पिछली सरकार के ही हुई है कि जो इतने गेट बनया उदो चाहिए कि ये रस्ते का पूरा समाधान कर दे, और इस रस्ते का यानी कि तुम एक जो पिंड का जान का रस्ता यदा कोई तुम पक्या वह ना देंगे, और अज जो ये कोई अनगहली हुई है लोकल लीडरशिप हुई है, ये ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की, मैं नहीं कहता ये कोई मोदी का कसूरवार है या कोई बादल का कसूरवार है, तो
मैं नहीं समझता कोई उपरले पद्धर की कोई गलती हुई है, अगर कोई गलती हुई है तो लोकल लीडरशिप च हुई है, उपरले किसी का कोई कसूर नहीं है। सर अज पंचायत ने अनाउंस किया कि जे उन्होंने जल्द सुनवाई नहीं होती तो परसों वो झाकड़ साहब सांसद साहब का पुतला फूकणगे। तुसी एक कांग्रेस के प्रतिनिधि हो इस हल्के ते तुसी मतलब किदा इन्हां दी गलबात मतलब हाईकमान तक पहुँचाओगे? नहीं, मेरी कल ही जाखड़ साहब ने पीए नाल भी गल हुई है। मैं उन्होंने एक गल दसी भी जो पिंड वासियों का जो ये समस्या है काफ़ी, यानी कि अज 25-26 दिन हो गए हैं पिंड वासी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने मैंने यही दसा भी कोई गल नहीं, यहाँ भी किसी ना किसी तरीके असं कोई समस्या का कोई हल हल करते हैं कि पिंड वासियों नाल कोई जायती नहीं होएगी, इन्हों बिल्कुल न्याय मिलेगा। लेकिन अगर हो सकता किसी शरारती तत्वों ने कहा हो इदा करना, लेकिन मेरा यह मनना भी ये किसी हाईकमांड का किसी गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, ये अगर अणगहली हुई है तो कितने लोकल लीडरशिप हुई है ना कि कितने उपरल पदरी। सर तुम्हें लग रहा है इस मतलब मामले पूरी कोई राजनीति हो रही है कुछ? हाँ, हो सकता भी कोई राजनीति शरारती तत्व कोई पिंड वासियों रल के कोई राजनीति कर रहे हों, लेकिन मेरा मनना भी अगर जे तो अं इंसाफ लैना जिद तो असी काम करना है, इसलिए साढ़े पंजाब कांग्रेस सरकार है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, साढ़े लोकल जो सांसद है इतों के गुरदासपुर के सुनील जाखड़ जी है, अगर असी उन्होंने पिंड वासी अगर उन्होंने खिलाफ कोई प्रदर्शन करते तो कोई चंगी गल नहीं, असी उन्होंने इंसाफ लैना, वो साढ़े नाल इस पिंड वासियों के प्रति पूरा इंसाफ करेंगे। अगर असी किसी के दूसरे शरारती तत्वों के कहने उनके असी खिलाफ़ कुछ इदा पिंड वासी करते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। सर तुम्हें उम्मीद है कि पुतला फूकने तो पहले ही कोई पिछला कोई हल निकल आएगा? सर नहीं, हर एक इंसान का एक अपना फर्ज है भी अपने हक के लिए संघर्ष करना, बाकी काम होना ना होना बाद की गल है, लेकिन अपना जो संघर्ष है वो असी जे दसांगे नहीं तो फिर किस तरह पता लगेगा। ये मैं एक जरूर है भी अगर कोई बंदे ने कोई शरारत की होएगी, अगर कोई शरारत राजनीति तत्व कोई शरारत करता वह भी जो चेहरा वो बेनकाब होएगा, और मैं कहना भी पिंड वासियों नाल कोई जाति धक्का इन नाल जाति नहीं होएगी और इन्हों इंसाफ मिलेगा, और मैं इन्हों इंसाफ दवाने लिए इन्हों के नाल हाँ, और कोशिश करांगा। मैं सुनील जाखड़ जी ने भी मैं कल जाना उनके नाल भी गल करांगा, तो जितों तक भी हो सकता ही पिंड वासियों की जो इन्हों मदद असी उन्होंने गल रखांगे।